तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो सीरीज़ में जहाँ पर हम चैप्टर वन सेट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एम्प्टी सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में के कंसेप्ट को जानेंगे और उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम सेट्स देख चुके हैं, सेट का बेसिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन बताने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, सेट मैंने यहाँ पे ए लिया है, तो ए बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स यहाँ पे वो स्टूडेंट हैं जो क्लास 11 में हैं और अभी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो बी सेट है उसमें क्या लिया है? एक्स इज़ अ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लास 11 एंड 12। तो देखिए, जरा बी सेट को एक बार ध्यान से पढ़िए। एक्स इज़ अ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 11 एंड 12। क्या वाकई ऐसा कोई स्टूडेंट है जो 11 और 12 साथ में पढ़ रहा है? तो कोई स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो बी सेट है ना, इस सेट को बोलेंगे हम एम्प्टी सेट, क्योंकि ये सेट में कोई भी एलिमेंट होना पॉसिबल नहीं है। ए सेट एम्प्टी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट हैं जो क्लास 11 में है। तो ये एम्प्टी सेट वही होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट वन लेस देन एक्स लेस देन टू, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी रेंज ये दे रखी है आपको, वन से टू के बीच का नेचुरल नंबर चाहिए, वन और टू नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो वन और टू के बीच में आए। तो यहाँ पे जो ए सेट है ये बिल्कुल खाली रहेगा आपका। इस तरह इसको डिनोट करते हैं, कभी कभी जो सेट ये सेट का जो डिनोट करते हैं हम सेट को, उसको हम फाइव से भी करते हैं। फाइव एक सिंबल होता है जिसको हम एम्प्टी सेट से जिससे हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है, तो फाइनाइट सेट नाम से समझ आ रहा है फाइनाइट, जिसके एलिमेंट डेफिनेट हों, जिसके एलिमेंट हमें पता हो कि कितनी एलिमेंट आने वाले हैं। सेट ए देखिए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट यहाँ पे फाइनाइट है, हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेट बी देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी ई जी, ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि एलिमेंट हमको दिख रहे हैं और हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट देखिए, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जितने भी मैन हैं, क्या ये फाइनाइट सेट है? देखो, ऐसे बहुत अलग वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे मैन हैं, तो ये एक लार्ज नंबर आएगा, बट ये नंबर डेफिनेट होगा, फाइनाइट है। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, एक फिक्स कोई नंबर होगा बड़ा सा, वो सेट सी में आएगा। तो ठीक है, तो हम काउंटिंग कैसे करते हैं सेट की? जैसे सेट ए में आपके 5 एलिमेंट हैं, तो हम एन ऑफ ए से इसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे? 5। सिमिलरली एन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन ऑफ सी क्या होगा? ये भी कोई एक नंबर होगा, फाइनाइट है ना, तो लिख सकते हैं सम फाइनाइट नंबर। है ना, तो देखिए आप डेफिनेशन देख लीजिए, ए सेट विच इज़ एम्प्टी, मतलब कोई सेट जो एम्प्टी हो या कंजिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, वो सेट आपका फाइनाइट कहलाएगा, अदरवाइज आपका वो सेट इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट सेट, ये तीनों आपके फाइनाइट सेट हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आप यहाँ पे एन में क्या क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कोई एंडिंग नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। इक्वल सेट्स देखते हैं, अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हों तो वो दो सेट इक्वल होते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड बी कैन राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी। अगर दो सेट इक्वल हैं तो हम ए इक्वल बी लिखते हैं, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी वही एलिमेंट है, बट उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, और सेट सी में भी वही एलिमेंट है बट उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, बट एलिमेंट सेम है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है और 4 भी है,
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सेट ए बी और सी तीनों इक्वल सेट हैं। और ये नोट करने वाली बात ये है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर चाहें तो हम सेट में एलिमेंट को रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे सेट ए में मैंने लिखा 1 1 2 3, ठीक है, तो इस सेट ए को मैं दो फिर से लिख सकता हूँ 1 2 3, क्योंकि जनरली हम सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनको रिपीट नहीं करते। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो ये तीन थे, ठीक है। एम्प्टी सेट था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट था, और आपका इक्वल सेट था, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, और समझ आएगा, और मज़ा आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है वो विच आर नल सेट्स। यहाँ पे आपको चार क्वेश्चंस दे रखे हैं, चार सेट दे रखे हैं, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के बताना है कि कौन सा नल सेट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो कि 2 से डिवाइड है। अब देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं आपके, ऑड लगा दिया आगे तो आपका 1 3 5 7 ये सब आएंगे, पर 2 से कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, ये हमको पता है। तो ये सेट कैसा है, ये नल सेट है, क्योंकि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं ये आपका नल सेट है, ठीक है, टिक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन है? सबसे पहले प्राइम नंबर को क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसा एक नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है इसमें आएगा 2, तो ये नल सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 7 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। अब देखिए एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो बोल रहा है एक्स 7 से कम होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? अगर एक्स 7 से कम होगा तो उसमें आएगा 6 5 4 3 2 1, और 7 से बड़ा होगा तो उसमें आएगा 8 9 10, पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये आपका नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई सेट ऑफ ऑल वाई सच डेट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कोई भी दो पैरेलल लाइन बनाइए आप, सपोज़ ये आपने एक लाइन बना ली, ये लाइन L2 बना ली, L1 L2, क्या इन दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट मतलब क्या कोई ऐसा पॉइंट है, ये इतने सारे पॉइंट हैं इस लाइन में और इस लाइन में ये पॉइंट है, क्या ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन में आ रहा है? नहीं, तो ये आपका सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सेट फाइनाइट है और कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है। देखिए फाइनाइट सेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिनके एलिमेंट की जो काउंटिंग होती है वो एक फाइनाइट नंबर होता है, वो फाइनाइट सेट होता है, ठीक है, और जिनकी काउंटिंग इनफाइनाइट होती है वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर के मंथ्स का सेट फाइनाइट होगा क्योंकि 12 होते हैं, ओके, ये फाइनाइट है आपका, एफ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू, कोई एंडिंग नहीं दी है, मतलब ये नंबर जो है नेचुरल नंबर का सेट है, ये आगे जा ही रहा है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, देख ये दोनों सेम है, बस इसमें एंडिंग दे दी हमको कि 99 और 100 तक ख़त्म करना है, 1 से स्टार्ट करना है और 100 से ख़त्म करना है, तो ये फिक्स नंबर है यहाँ पे, तो ये फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सेट। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 100 से बड़े 101 102, अब ये कहाँ तक जाएंगे ये हमको नहीं पता, तो ये सेट इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है उनका सेट, तो ये ऑब्वियसली फाइनाइट है, क्योंकि 99 से छोटे में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 98 और 1 के बीच में, और 98 और 1 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो एक फाइनाइट नंबर होते हैं, इसलिए ये सेट फाइनाइट होगा। क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत ईजी है, आप उसे कर सकते हैं, अपनी बुक खोलिए और कीजिए, और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। तो यार नल सेट के क्वेश्चन कर लिए, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के क्वेश्चन कर लिए, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है इक्वल सेट्स का, तो चलिए उस पर भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, देखिए चेक वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी दो सेट हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है हमको वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू डी सी बी ए, सेम एलिमेंट है तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल हैं, ओके, टिक कर रहा हूँ मैं इक्वल में और क्रॉस करूँगा अनइक्वल में। ए इज इक्वल टू 4 8 12 16,
बी इजक्ल टू 8, 4, 16, 18, क्या ये इक्वल है? देखिए 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है, बट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, तो ये अनइक्वल है। ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, वी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। सेट ऑफ ऑल एक्स, वो सारे एक्स जो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, तो आपका 2 आ जाएगा, इवन में तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ये सब सेट्स में आने वाला है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कर दिया, तो ये आ गया, दोनों सेट इक्वल हैं। यस इक्वल हैं, तो वी कैन से दीज आर इक्वल सेट्स। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल, और बी सेट में देख रहा है 10, 15, यहाँ पे 15 आ गया, 15 10 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली बिना आगे चेक करें कि ये सेट आपका इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th में भी वही इक्वालिटी चेक करना है। ये दो क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, सेट ए में है 2 और 3 और सेट बी में है सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए, ठीक है? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड होता है, आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। हमारे पास दो मेथड होते थे, एक होता था फॉर्मूला मेथड और एक होता था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसका कोफिशियंट यहाँ पे 1 है, 1 और 6 का प्रोडक्ट कितना आता है, 6 आता है। तो मुझे ये मिडिल टर्म है इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि उनके जो टर्म्स आएंगे उनके कोफिशियंट का मल्टीप्लाई 6 आ जाए। तो 6 किस किस का आ सकता है, 3 और 2 मिला के 6 बनते हैं। तो मैं इस 5x को लिख सकता हूँ 2x + 3x या 3x + 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने 5x को स्प्लिट कर दिया 3x + 2x में, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इक्वेशन में। और 3 × 2 6x² होता है और ये भी 6x² आ रहा है, ठीक है? अब इन दोनों से x कॉमन लेंगे, बचेगा x + 3, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x + 3। x + 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है और x + 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है। x + 3 = 0 कर देंगे और x + 2 = 0 कर देंगे, तो एक आएगी x की वैल्यू -3 और एक आएगी x की वैल्यू -2। सॉल्यूशन यहाँ पे -3 और -2 आ रहा है और यहाँ पे आपका 2 और 3 दे रखा है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, बताओ आप कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक्स सेट ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स फॉलो वर्ड के लेटर हैं और एक्स वॉल्फ वर्ड के लेटर हैं। सॉल्व करिए और बताइए।